रेड कार्पेट बिछाया जाए आज अदाकारी का बादशाह अ लेजेंड इज हियर अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर अ लिविंग लेजेंड फॉर द मैन ऑफ द मेंस मिस्टर प्लीज आप बैठे हैं मैं भूल ही गया मैं इस्तकबाल च मैं भूल ही गया हर चीज़ मैचिंग आपने रखी हुई है सेटिंग के मुताबिक कालीन जब बिछने लगा था तो मैं समझा कि यहाँ से लेके वहाँ तक बिछेगा मगर जो साहब कालीन लेके आए हैं वो अपने साइज़ के मुताबिक आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर प्लीज़ हैव अ सीट तुसी ते लाना है करो तुसी ते मेरे नो 2.5 साल छोटे हेलो सर मजाक रात की तरफ से हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से पाकिस्तान के टीवी थिएटर और फिल्म के तमाम उन नाजरीन की तरफ से जो आपके कर्जदार हैं जिनमें आपने खुशियां बांटी उन सब की तरफ से सर वेलकम टू बाजार बहुत शुक्रिया क्या हुआ बस अचानक ही कुछ हो गया क्या ये इतनी जो आपने मुझे पजीराई दी है ये बहुत कम नसीब होती है बंदे को मैं कई शोज में जाता हूँ मगर ये जो प्यार मोहब्बत और ये आपके चेहरों पर जो खुशी है ये कम कम दिखाई दे अरे है सर एक अदाकार होता है एक थेरेपिस्ट होता है दोनों अलग अलग लोग हैं आपको कब पता चला कि मैं अदाकार भी हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ जो लोगों के गम चुरा लेगा लोगों के मुस्कुराहटों में जो दर्द है वो दर्द चुराने का फन आपके पास मौजूद है ये कब पता चला आपको मैं 5-6 साल का था जब मैं इस फील्ड में आ गया था रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे मोहनी आपा हमारी एक किया करती थी प्रोग्राम मैं उसमें बैठा करता था मेरे साथ इरफान खुसर साहब बैठा करते थे और राशिद महमूद साहब बैठा करते क्या बात इनकी निकरें ज़रा बड़े साइज़ की होती थी मैं ज़रा छोटा था अच्छा वो माशाल्लाह फिर हमारा साथ रहा बहुत अरसा अब जब वो मेरे घर कभी आते हैं तो अब बच्चे मेरे कहते हैं दादा अबू आए थे फलाने मेरे वो कहते हैं को हया आ कर उन्होंने समझा है असी तेरे नाल दे हैं दादा जी कहते हैं अभी बात की इरफान खोसर साहब और राशिद महमूद साहब आपसे माशाल्लाह बड़े हैं जी जी तो तुसी भी उदों दे टीवी च आउंदे जदों टीवी बंद करने वाला सोच ही नहीं सी हुंदा गर्म हो गया भी बंद होता सी अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप बंद हो जाता सी वरना यदि ड्यूटी लगी ही सी अच्छा कि जो थक जाने उदो तू बंद करना जो तुम लाहौर आए तो मनारे पाकिस्तान 2.5-3 फुट का सी और उदो गलबन रंजीत सिंह की हुकूमत होनी मेरे सारे अंदाजे तुहाडे गलत ने अच्छा जी ये खान साहब ने खड़ के ना हाथ च मिट्टी सुट्टी सी कहंदे अज इधर मिट्टी जाके डिगेगी उधर लाहौर बनेगा ये माशाल्लाह उदों दे काम कर रहे ने
जो केक वाले कैमरे होंगे सन पाकिस्तान के दिल के जानी द लिविंग लेजेंड अशरफ खान साहब देखते रहिए मजाक सर पाकिस्तान की हिस्ट्री में और जो आजकल हाजिर वक्त चल रहा है और दरमियान में जितना भी वक्त गुजरा पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े शोज बने बहुत बड़े बड़े शोज चल रहे हैं लेकिन 50-50 अल्लाह की करम नवाज उस सेट का कोई यादगार वाकया सर जी बेशुमार यादगार वाकया है मैं उसमें मुझ पर एक गाना पिक्चराइज होता था तो एक गाना था तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी तो ये क्लिफ्टन पे होना था तो वहाँ इंतजाम हो गए सारा कुछ हो गया तो एक भैंस के साथ वो गाना था मेरा कि मैं गाता हूँ एंड में पता चलता है कि वो भैंस को नहला रहे हैं इसको तो वो लहरें समंदर की वो आनी थी कि एन पता चला है वहाँ जाने से पहले कि जी दफ़ा 144 लग गई क्लिफ्टन पे वो कोई हालात अच्छे नहीं थे तो जो हमारा वो रैकी करने वाला था ढूंढने वाला उसने कहा जी मैं बड़ी अच्छी जगह ढूंढ ली आ जाए आप बस 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 अच्छा भाई हमें क्या पता कहाँ लेके जा रहे हैं पता किया तो पता चला कि ये कोई नदी है वो हमें ये नहीं पता था कि कराची वाले अपनी तमाम तर चीज़ें उस नदी के हवाले कर देते उस नदी पे ले गए हमें भैंस भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार थी बेचारी वो तो एक अल्लाह का बंदा था जो वहीं खड़ा हुआ देख रहा उसने कहा अच्छा भाई इसके बाद हमारे यहाँ आ जाइएगा मैं कहा क्या होगा वहाँ अरे आपको नहलाएंगे और क्या होगा काई लगी हुई काई मुंह पे और वो जो लहरें आ रही थी उसका तमाम तर जो साजो सामान था वो लग गया मुझे और रोमांटिक गाना गा रहा हूँ तेरे भीगे बदन की खुशबू वो यादगार वाकया था 50-50 का क्या बात क्या बात क्या बात 50-50 का एक सीन जो आपने अंग्रेजी में फिल्माया सामने वाले कैमरे में सर देख के जी और अगर खड़े हो गए सर सर जरा पूरी परफॉर्मेंस के साथ मगर आपको थोड़ी देर के लिए बुशरा अंसारी बनना पड़ेगा क्योंकि वो दो बंदों का स्किट था ठीक है Listen, Rano. What way? I promise you, Rano. I will come back soon, Rano. I do not believe you. You are a liar. Keep speaking, Rano. Just you shut up. उसी में हीरो जाता है विलन के पास उसको छुड़वाने हीरोइन को वो उठा के ले गया होता है तो जाके कहता ओए बशीरिया Touch me not Bashiriya. Oh, tell me about my Rana. Suppose I don't tell you then, or if you don't call your death a Kavna.